फ्रेंड्स, ये हमारा मॉडल है। ये प्रिंसेस कट रहेंगे और बोट नेक रहेंगे, और ये आगे जो है ये नेट लगेगा, और बैक में यहाँ पे पोटली बटन आएंगे और यहाँ पे नेट लगेगा और ये ड्रॉप होगा और यहाँ बटन आएगा। और उसके बाद है तो ये है तो हमारा मेजरमेंट है, बोट नेक है 9 इंच रहेगा, शोल्डर 2 इंच रहेगा, लेंथ 3 इंच, चेस्ट और वेस्ट 16.5 और 15 रहेगा, हैंड्स है तो 10 इंच है, उसका बॉटम 5 इंच है। तो हम इसकी कटिंग स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट लेंथ की मार्किंग कर लेंगे। लेंथ 13 है। इसका शोल्डर डाउन, इसका आर्मोल डाउन 6.5 पे करेंगे। अब मार्किंग कर लेंगे। इसका आर्मोल डाउन 6.5 पे करेंगे। शोल्डर 13 लेंगे। वेस्ट है तो 15 है। इसका बैक टैक्स है तो 2.5 पे आएगा। हाफ इंच शोल्डर डाउन करेंगे, क्योंकि शोल्डर बड़ा है, इसी वजह से जैसा जैसा नेक डीप होता है वैसा वैसा शोल्डर कम होते जाता है, छोटा होते जाता है। अभी कॉलर के या हाई नेक जो भी रहे उसमें भी शोल्डर बड़ा लिया जाता है, उसको डाउन किया जाता है। यहाँ हमारा आर्मोल 8 इंच है। एट इंच फिक्स है तो हमारी कटिंग कर लेंगे। प्रिंस कट के लिए यहाँ पे 1.5 इंच पे मार्किंग कर देंगे ऊपर से है तो इसका टक्स पॉइंट 9 इंच पे लेंगे, यहाँ पे भी 1.5 इंच पे मार्किंग कर देंगे।
यहाँ पे 2 इंच पे एक मार्किंग करेंगे। पेन स्कंट की मार्किंग हो गई अपनी। ये फ्रंट के नेट लगाने के लिए जो मॉडल है अपना, ये उसकी मार्किंग कर दी है। सेकंड मार्किंग ये होगी। सेकंड मार्किंग भी हो गई। अब यही मार्किंग के हिसाब से हम कटिंग करेंगे। ये फ्रंट को 1/2 इंच बढ़ा लेंगे। हाँ, फ्रंट कट हो गए, देख लीजिए। अब तो इसमें यहाँ से नेट लगेंगे, इसके ऊपर से यहाँ से ऊपर नेट लगाएंगे। यहाँ से कट होगा, उसके बाद नेट लगाएंगे। पेन स्कर्ट काटने का तरीका मैं ऑलरेडी एक पहले वीडियो में बता चुका हूँ। अगर से आपको देखना है तो बहुत आसान तरीके से हम प्रिंसेस कट काटते हैं, आप जाके देख सकते हैं। लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ये हमारा एक और लाइनिंग है, 13 की लाइनिंग है ये, ये कॉटन था। और अभी नेट का एक और है, 3 लेयर है इसमें।
साटिन के पट्टे, ये हमारे साटिन की लाइनिंग कट हो गई, ये कॉटन की लाइनिंग, ये कुछ इस तरह स्टिचिंग होगा। इसके नीचे आएंगे, शाइनिंग का पल्ला है, शाइन वाला ये इधर ऐसा रखा जाएगा। इसके ऊपर कॉटन इस तरह हम इसका स्टिचिंग करेंगे। हमारा नेक्स्ट वीडियो इसकी स्टिचिंग पर होगा। इसका हैंड्स 10 इंच है, यहाँ पर हम 2.5 इंच पे मार्किंग करेंगे, 7.5 पे मार्किंग करेंगे, 7 इंच पे। ये आप आर्मोल की मार्किंग देख सकते हैं, ये हमारा आर्मोल फिक्स 8 इंच आ चुका है। अभी आज के बॉटम की मार्किंग करेंगे। एक्स्ट्रा मार्जिन हम, ये लाइनिंग है इसके हैंड्स में लाइनिंग नहीं रहेंगी, विदाउट लाइनिंग का है, खाली एक सैंपल के लिए लाइनिंग काट दिए। इसके ऊपर बिछा के हम मेन पल्ला कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स हम इसका पैटर्न काट लेंगे। ये पैटर्न कट गया है, अब हम इसको स्टिच करेंगे बाद नेक्स्ट वीडियो।